हेलो एवरीवन वेलकम टू जे आर अड्डा आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे आज के सेशन फॉर फोर इन वन सीरीज़ जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ पेपर वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार सा टॉपिक जिससे 2023 के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के बने थे अगर मुझसे कोई एक टॉपिक पूछा जाए जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके पूछे गए तो वो आप लोगों का रहा था हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में मेमोरी से रिलेटेड कुल मिला अगर देखा जाए तो आईसीटी का ये यूनिट का टॉपिक है और यहाँ से कई बार आपके सवाल पूछे गए राइट तो आज मैं आपको इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी करवाने वाली हूँ और साथ ही साथ आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ हमारा ये टॉपिक जो कि है एच यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव इसके अलावा थोड़ी बहुत ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में भी आज अपन बात करेंगे सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग पिंकी गुड इवनिंग ब्रिजेश सोहिनी पसंग स्वीटी अलीशा कैसे हो सभी ऑल ओके okay? ऑल क्लियर है चलिए चलेगा so, शुरू करते हैं मेरा नाम अदिति है अगर आप खरीदी फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो आपको मैं बता दूं कि मैं पेपर वन और पेपर वन के साथ साथ आप लोगों को कंप्यूटर साइंस पेपर टू पढ़ाती हूं अगर आप सभी लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको पता है पेपर वन और पेपर टू दोनों का ही बैच चलता है जे आर अड्डा एप्लीकेशन है अपनी जहां पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो आप सभी लोगों के लिए कोर्स ऑलरेडी अभी लाइव चल रहा है ये जो है आप सभी लोगों के लिए इस सैटरडे को लास्ट रजिस्ट्रेशन है जो इस मंथ का ओपन होगा इसके बाद इसे क्लोज कर दिया जाएगा तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसमें पेपर टू की हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे पेपर वन प्लस पेपर टू की लाइव क्लासेस मिलेगी और टेस्ट सीरीज मिलेगी साथ ही साथ 2022 और 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम हर सैटरडे यहाँ पर डिस्कस करते हैं एवरी फ्राइडे आप लोगों के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और एवरी सैटरडे आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन होता है ठीक है तो आप कॉल कर सकते हैं और इस पर डिस्काउंट भी अवेल अभी कर सकते हैं चलिए मैं आ जाती हूँ डायरेक्टली आज के हमारे सवाल के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको सवाल दिख रहा है जिसमें आपसे पूछा गया था कि एस जो होती है उसका क्या बेनिफिट होता है हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपेरिजन के अंदर राइट right? क्या मतलब होता है इसका हाँ बिल्कुल सबसे पहले तो कल का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर्स दिए और एरिया सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग के ऊपर जो था वो मेरा एक छोटा सा आप लोगों को पॉइंट था जो अभी डिस्कस करना रह गया था कल वाले वीडियो में तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि आपके लिए एरिया सैंपलिंग और मल्टी स्टेज सैंपलिंग दोनों ही रैंडम सैंपलिंग के फर्दर टाइप्स हैं बाइफरकेशन है एरिया सैंपलिंग आप लोगों की होती है उस बिहाफ पर जिसमें अपन सभी लोग रैंडमली एरिया के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं वेरी बेसिक और जो मल्टी स्टेज सैंपलिंग होती है जब हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है और हम सभी लोगों के लिए क्लस्टर सैंपलिंग लगाना थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है तो हम मल्टीपल स्टेजेस के अंदर क्लस्टर क्लस्टर सैम्पलिंग लगाते हैं तो क्लस्टर सैंपलिंग जब मल्टीपल स्टेजेस में लगती है तब अब उसे हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहते हैं ये आपका दोनों कॉन्सेप्ट है यही चीज मैंने आप लोगों से कल भी पूछी थी ठीक है नहीं जिन्होंने ले रखा है उनको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है कोर्स ठीक है मैंने एक्सटेंड कर दिया आपकी वैलिडिटी ठीक है वीडियो को एक बार शेयर कर दो सारे के सारे हमारे शूरवीर पधार जाएं तभी हम लोग शुरू करें नहीं तो फिर बोलेंगे बीच में रह गया चलो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं आज का टॉपिक नाम से समझ में आ गया कि मैंने आप सभी लोगों को बोला एक तो है अपना हार्ड डिस्क ड्राइव और एक है आप सभी लोगों का सॉलिड स्टेट ड्राइव सबसे पहले कि मैं इसे शुरू करूं चला देखते हैं कि आपकी प्री रिक्वेस्टिंग नॉलेज कितनी यहां पर चल रही है आप सभी लोग लाइव चैट के अंदर मुझे लिखा लिखकर बताएंगे कि क्या ये एक तरीके की सेकेंडरी मेमोरी है कि नहीं है देखो हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए तो आप सभी लोग अच्छे से बता दोगे क्योंकि सबको सिंबल भी याद होगा इस तरीके से हार्ड डिस्क ड्राइव को हम लोग शो करते हैं मुझे ये जानना है सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में कि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है क्या ये एक तरीके की प्राइमरी मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी है इंटरनल है एक्सटर्नल है वॉलेटाइल है नॉन वॉलेटाइल है क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है कोई बता सकता है मुझे जल्दी जल्दी से एक बार लाइव चैट के अंदर बताएंगे सभी के सभी लोग जल्दी से बताएंगे लाइव चैट के अंदर कि आपके लिए जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है एस एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कितने डिटेल के अंदर इन पर सवाल बनने लगा है अगर मैं ग्राफ की बात करूं ना 2016 की या 15 का पेपर उठा के देखो और 2023 जून का पेपर उठा के देखो जिस हिसाब से लेवल के अंदर इंक्रीज हुआ है एकदम ही होश उड़ाने वाले लेवल हो गए हैं अब आपके ऊपर ये तक सवाल पूछ लिया जाता है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव दोनों में से किसके पास में या किसके आर्किटेक्चर के अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं इतना डिटेल और माइन्यूट सी माइन्यूट सी बातें भी आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर वन में पूछ ली जाती है इमेजिन तो इसीलिए इनको एकदम अच्छे से और डिटेल में पढ़ना जरूरी है बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम हमको आता है हमने पहले पढ़ा है मेमोरी के बारे में सॉलिड स्टेट ड्राइव भी पढ़ा है हार्ड डिस्क ड्राइव भी पढ़ा है बट ये जिस लेवल पर मैं आज आपको बताने वाली हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है देखो पहली बात तो मैम ये भी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमरी है अगर मैं बात करूं तो दोनों की दोनों ही हम किसके अंदर पढ़ते हैं एक्सटर्नल के अंदर पढ़ते हैं दोनों की दोनों ही कैसी होती है नेचर में नॉन वॉलेटाइल होती है नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है नॉन वॉलेटाइल मैम अगर लाइट ऑफ हो जाती है या पावर शट डाउन हो जाता है फिर भी ये क्या रखेंगी आपके डेटा को प्रिजर्व करके रखेंगी सही है वेरी गुड अब आप सभी लोगों के लिए एक नॉर्मल लैपटॉप है या एक नॉर्मल सा आप लोगों का कंप्यूटर है ठीक है ना और एक है आप लोगों के लिए मैकबुक मैकबुक बोले तो मैकबुक जो एप्पल कंपनी है एप्पल कंपनी का जो लैपटॉप था क्योंकि पहली बार एप्पल कंपनी के लैपटॉप के अंदर ही अपन ने क्या देखा था अपन ने एस ड्राइव के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना शुरू किया था आप इन दोनों लैपटॉप को कंपेयर करके जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ दोनों ही मेरे पास है तो दोनों को ही मैं कंपेयर करके बता सकती हूँ चाहे वो स्पीड के बारे में हो चाहे वो वेट के बारे में हो चाहे उनकी पावर कंजम्पशन के बारे में हो चाहे उनके वर्किंग के बारे में हो सभी के सभी फीचर में यानी एफिशिएंसी की बात करूँ सभी के सभी फीचर के अंदर जो सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी जो आप लोगों का मैकबुक वाला लैपटॉप है वो ज़्यादा एफिशिएंट साबित होता है क्यों क्योंकि इन सभी के अंदर आपके पास में क्या लगी थी सॉलिड स्टेट ड्राइव लगी हुई थी दोनों ही एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है अगर मैं आप लोगों से और थोड़ा बेसिक्स पे चले जाऊं और पूछूँ कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी आपके कंप्यूटर का एक ऐसा इंट्रीगल पार्ट है जिसके अंदर आप प्रोग्राम को सेव करते हो या डेटा एज अ प्रोग्राम सेव रहता है परमानेंट पर्पज से सेकेंडरी मेमोरी बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है डेटा को परमानेंटली सेव करती है और जो सी होता है उसके लिए सारा का सारा डेटा सेव करके रखती है यहीं से डेटा निकलता है प्रोग्राम निकलता है और रैम के पास में जाता है और फिर बनता है प्रोसेस और तब आपका सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करता है ठीक है आप सब लोगों से अगर मैं एक स्टेटमेंट पूछूं जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था 2021 के अंदर पूछा गया था मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये स्टेटमेंट सही लिख रही हूं जो सीपीयू होता है वो जेनरेट करता है एन एड्रेस कॉल लॉजिकल एड्रेस तो ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के लिए होता है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए होता है क्या ये मैंने ट्रू लिखा है या मैंने ये फॉल्स लिखा है बस ट्रू और फॉल्स लिखना है लाइव चैट के अंदर एक बार फटाफट से लिख कर बताएंगे मुझे क्या ये मैं ट्रू बोल रही हूं या ये मैं फॉल्स बोल रही हूं एस एस सी के अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं वेरी गुड वंदना जिनको याद है जिनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो उनको तो अच्छे से पता होगा सीपीयू जो होता है वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और वो जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है वो करता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए और ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है फॉल्स है ये ये फॉल्स है कि ट्रू है देखिए यहां पर जो ये मैंने बात लिखी है ये बिल्कुल ट्रू है इसमें कोई भी गलत बात नहीं लिखी है सीपीयू जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है वो हमारी लॉजिकल मेमोरी के लिए ही होता है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए ही होता है फॉल्स क्यों लिखा है भाई फॉल्स नहीं है ट्रू है ठीक है इस लॉजिकल एड्रेस को फिर हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है और फिजिकल एड्रेस हमारे लिए होता है फिजिकल मेमोरी यानी कि जो आप लोगों की मेन मेमोरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसके लिए होता है ठीक है दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है आपके हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर आप लोगों का जो डेटा है वो एज अ प्रोग्राम सेव होता है ठीक है और ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों का क्या करता है रैम के पास में जाता है और तब ये फर्स्ट टाइम क्या कहलाता है प्रोसेस कहलाता है और तब इसे सीपीयू क्या करता है एग्जीक्यूट करता है बिना किसी प्रोग्राम के प्रोसेस बने सीपीयू उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हाँ इसको हम फिज़िकल मेमोरी भी बोलते हैं इसे हम लोग लॉजिकल मेमोरी बोलते हैं इतना याद है ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं बस मैं इसलिए याद दिला रही थी क्योंकि अभी हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले इनके डिफ्रेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं इसीलिए मैं आपको ये बता रही थी चलिए जी तो अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े देखो आप लोगों से बोल रहा है कि एस एस डी जो होता है वो स्पिनिंग डिस्क को यूज करता है इमेजिन करिएगा कि कितना ज्यादा डिटेल चीजें है आप लोगों से उनका आर्किटेक्चर कैसे वो बनता है किन किन चीजों से आपका हार्ड डिस्क ड्राइव या आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव बनता है उसके ऊपर भी आप लोगों का सवाल बनने लग गया है ठीक है जी तो ये हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दो तरीके से आपको पढ़नी है एक होती है जिसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस और एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस के अंदर डिफरेंस क्या है देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये कोई एक मेमरी है और इस मेमोरी के अंदर इस तरीके से डेटा जो है वो आपने सेव करके रखा हुआ है तो एक्सेस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहां पर कोई डेटा रखा है और इस डेटा को आपको क्या करना है निकाल के लेके आना है तो आप सभी लोगों को इस डेटा तक पहुंचने में डेटा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसे हम उसे कहते हैं उसका एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम का मतलब होता है डेटा तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है अब मान लीजिए कि ये आप लोगों का है वन नंबर पे ये है टू नंबर पे ये है थ्री नंबर पे, फोर नंबर पे, फाइव नंबर पे, सो ऑन इन्फिनिटी तक इस तरीके से डेटा आपने रखा हुआ है डेटा या इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है अब आप इमेजिन करिएगा कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि पहले आप सभी लोगों को थर्ड नंबर के डेटा तक पहुंचने के लिए पहले वन पे जाना होगा फिर टू पे जाना होगा फिर आपको थ्री पे जाना होगा ठीक है ना जैसे कि एक लाइन बनती है ना तो बिल्कुल वैसे ही अगर बात किया जाए तो यहां पर वही वाला सीन है कि सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब कि आप एक एक करके डेटा को क्या कर रहे हो सीक्वेंस के अंदर एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ एक्सेस टाइम ऑब्वियस बात है थर्ड नंबर की रो तक पहुंचने में ज्यादा लगेगा क्यों पहले वन पे जाओगे फिर टू पे जाओगे फिर जाके थ्री पर जाओगे ठीक है इसी तरीके से अगर ये सौवे नंबर पे रखा है तो पहले निन्यानवे को एक्सेस करना पड़ेगा तब जाके आप सौवे पे पहुंचोगे इसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस वॉट इफ की मेरे पास में एक ऐसा मैकेनिज्म हो मैम जिसके अंदर हम डायरेक्टली कहां पहुंच जाए डायरेक्टली थर्ड नंबर के ऊपर पहुंच जाए आप मुझे दोनों में से सोच के बताओ कि दोनों में से कम एक्सेस टाइम किसका लगेगा मैम ऑब्वियस ही बात है डायरेक्ट एक्सेस के अंदर हमें कम समय लगेगा किसमें डायरेक्ट एक्सेस है ना जी डायरेक्ट एक्सेस जो है उसके अंदर क्या लगेगा हमको

इंसानों के जैसे अगर कपड़ा निकालना है मैम तो उसमें समय लगेगा और अगर इंसानों की जैसे नहीं जानवरों की जैसे निकालना है तो नीचे से सीधा खींचेंगे ऊपर का पूरा हमारा बिगड़ जाएगा और उसे हम बंद करके पहन के कपड़े निकल जाते हैं फिर हमारी होती है फ्लाइंग चप्पल से स्वागत माता जी और पिताजी के द्वारा खास करके माता जी के द्वारा फिर हमको याद आता है कि डायरेक्ट एक्सेस से बेटर था सिक्वेंशियल एक्सेस ही कर लेते ये वही डायरेक्ट और सीक्वेंशियल एक्सेस है जो आप अलमीरा के साथ करते हो वही सेम चीज बता रही रहे एक एक करके थर्ड नंबर तक पहुंचना है तो पहले टू पे वन पे जाना जरूरी है और एक है कि डायरेक्टली मैं थर्ड पर पहुंच जाऊं समझ गए हैं डायरेक्टली थर्ड तक मैं पहुंच जाऊं तब हम उसे क्या बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं चलिए जी बहुत हो गया डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस पे बात आप सभी लोगों के लिए जो आपकी टर्सरी मेमोरी होती है जैसे कि आप सभी लोगों के लिए मैग्नेटिक टेप्स टेप ड्राइव भी इसी को बोलते हैं तो ये जो है आप लोगों का सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस होता है अब क्योंकि ये टर्शरी है तो हमें इससे इतना काम नहीं पड़ता है तो चलता है कि ठीक है भाई तू तो सीक्वेंशियल रह अब आ जाती है बात आपकी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस की डायरेक्ट एक्सेस की अगर मैं बात करूं तो आपकी मैग्नेटिक डिस्क आपकी ऑप्टिकल डिस्क और आप लोगों का जो फ्लैश मेमोरी होता है तीनों के तीनों ही डायरेक्ट एक्सेस के अंदर बिलीव करते हैं तीनों के पास में डायरेक्ट एक्सेस होता है ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर बना हुआ है कि मैग्नेटिक डिस्क के अंदर किस टाइप का एक्सेस होता है तो आपको याद रखना है कि आपके पास में डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पर होता है ये जो मैग्नेटिक डिस्क है पहले के जमाने में इन्हें हम फ्लॉपी डिस्क के नाम से जानते थे फ्लॉपी ए फ्लॉपी बी आप सब लोगों को याद होगा ऑक्सीट हो गया है पुराना हो गया खत्म हो गया है अब अब जो है नया जमाना आया है हार्ड डिस्क ड्राइव का हार्ड डिस्क ड्राइव भी आप लोगों लो की अलग अलग तरीके की होती है जैसे कि आपकी जिप डिस्क होती है डिस्क पैक होता है अलग अलग तरीके की आप लोगों की डिस्क होती है पर हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी बिल्कुल सेकेंडरी मेमोरी है जो कि आपके कंप्यूटर का एक बहुत ही ज्यादा इंट्रीगल पार्ट है हर कंप्यूटर या हर लैपटॉप के पास में डेफिनेटली हार्ड डिस्क ड्राइव होती ही होगी नहीं तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती होगी कुछ कुछ के पास में दोनों होती है ठीक है फिर आती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि आप लोगों को सी डी जिसको हम बोलते हैं तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो गई आप लोगों की कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली रीडेबल हो गई कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल एंड राइटेबल हो गई या री राइटेबल हो गई कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा हमारे पास होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डी हाँ हाँ बिल्कुल हमने भी बहुत मार खाई है बचपन मतलब पचपन तक खा रहे हैं हम तो भाई बचपन से पचपन तक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है हमारी पिटाई की भी मैम <coughs> मैं आईसीटी के पांच में से तीन क्वेश्चंस छोड़ दिए थे मुझसे नहीं होगा करके बट आपके क्लास देखने के बाद कॉन्फिडेंस पा रही हूं थैंक यू मैम अच्छे से समझाने के लिए थैंक यू अच्छे से समझने के लिए इस फ्लो चार्ट से आपको मिनिमम एक सवाल मिलेगा तो इसको अच्छे से पढ़ लो काम आएगा ठीक है जी इसके अलावा आप लोगों की होती है फ्लैश मेमोरी देखो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी अगर देखा जाए सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में कोई चल रही है तो वो आपकी फ्लैश ड्राइव ही है आपकी जो पेन ड्राइव है उसको भी हम लोग फ्लैश मेमोरी ही बोलते हैं फ्लैश ड्राइव ठीक है देन आप लोगों की मेमोरी कार्ड्स जो होते हैं वो भी आपके फ्लैश ड्राइव होते हैं और जो आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है वो भी क्या होती है वो भी एक तरीके की फ्लैश मेमोरी ही होती है सबसे पहले तो किससे बनती है ये आपको समझ में आना चाहिए तो ये कैसी एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी है आप थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक एक करके कि क्या मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको बता दिया नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है कुछ इस तरीके की आप लोगों की ये जो मेमोरी है चल रही है ठीक है ना ये आपको सब याद रखना है आगे आ जाते हैं मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर देखो जो आप लोगों की मैग्नेटिक डिस्क होती है वो एक तरीके की एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके डेटा को सेव करके रखती है अब आपको ये जानने में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी सब अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को कि आप सभी लोगों के लिए जो डेटा होता है कंप्यूटर में वो बाइनरी फॉर्म में सेव होता है बिट्स के फॉर्म में सेव होता है और ये जो बिट्स है ये भी कैसे हम लोग जनरेट कर रहे हैं या कैसे स्टोर करके रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में सर्किट के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिज्म है है ना बचपन में इतना बहुत साइंस हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ना तो आपका जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म मैग्नेट प्रॉपर्टी जो होता है मैटर का उसका यूज करके मैग्नेटिक डिस्क पर डेटा को हम लोग सेव करते हैं है ना मैंने कई बार आप सभी लोगों के लिए मैग्नेटिक डिस्क को ड्रॉ किया है दोबारा से मैं ड्रॉ कर देती हूँ मैग्नेटिक डिस्क कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए बनती है ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आपके पास में होते हैं ठीक है ना कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होते हैं इन सर्किल्स को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रैक्स बोलते हैं क्या ट्रैक्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के अलावा हमारे पास में क्या होते हैं ऐसा सेक्टर डिविजन होता है ये जो ब्लैक कलर से मैंने डिवाइड किया है जैसे एक सर्किल का सेक्टर होता है ना तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसे हम कहते हैं सेक्टर क्या कहते हैं जी सेक्टर तो आपके पास में ट्रैक्स होते हैं और आपके पास में इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स बने हुए होते हैं और ये जो ट्रैक और सेक्टर का इंटीग्रेशन होता है ठीक है मैं ड्रॉ कर देती हूं ये है ना ऐसे देखो ये ये जो ट्रैक और सेक्टर का इंटीग्रेशन होता है ना ये इनका जो इंटरसेक्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं बाइट आपका जो डेटा है वो एक्चुअली में कहां पर जाके स्टोर करता है इस बाइट पर जाके या इसको हम लोग ब्लॉक भी कहते हैं इस ब्लॉक पर जाके स्टोर करता है ठीक है पहले समझ लो फिर नोट्स अच्छे से बना लेना कोई जल्दी नहीं है ठीक है कहीं भागना नहीं है पहले समझ लो पहले समझ लो मुझे सुन लो फिर उसके बाद में लिखना पहले अच्छे से समझ लो ठीक है ना तो इस तरीके से ट्रैक्स होते हैं इस तरीके से आपके सेक्टर्स होते हैं ट्रैक्स और सेक्टर्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं ब्लॉक या बाइट्स तो अगर मुझे डेटा को सेव करना है या डेटा तक पहुंचना है तो सबसे पहले तो मुझे करेक्ट ट्रैक पर पहुंचना होगा फिर करेक्ट ट्रैक से करेक्ट सेक्टर पर पहुंच रहे हैं फिर सेक्टर से हम लोग कहां पर पहुंचेंगे मैम करेक्ट ब्लॉक तक पहुंचेंगे और फिर फाइनली वहां पर जाके हमको हमारा डेटा मिल जाएगा तो इस तरीके से हमारे को पूरा का पूरा सिस्टम क्या करना पड़ेगा जाना पड़ेगा ठीक है आप देखो ध्यान से आपके पास में क्या होता है एक ही डिस्क नहीं होती है डिस्क आपके पास में मल्टीपल होती है आपको डीवीडी या आपने सीडी कभी देखी है क्या मेरे पास अगर सीडी रखी होगी तो मैं दिखा देती हूँ आपने जैसे सीडी या डीवीडी देखी होगी कभी तो आपको पता है ना ऊपर उसका एक शाइनी वाला पार्ट होता है और नीचे जो होता है उसका ब्लंट वाला पार्ट होता है ठीक है वो तो हुआ कि सिर्फ एक तरफ वहां पर डेटा रखा जा सकता है हार्ड डिस्क के अंदर दोनों तरफ जो है वो डेटा रखा जा सकता है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी और ऐसी आपके पास में मल्टीपल डिस्क होती है बहुत सारी डिस्क डिस्क जो होती है वो इकट्ठी रखी हुई होती है बहुत सारी डिस्क जो है वो एक साथ ऐसे इकट्ठी खड़ी हुई हो, होती है आगे भी होता है उसके डेटा और पीछे भी डेटा होता है तो बहुत सारे ब्लॉक्स बहुत सारे बाइट्स आपके पास में इकट्ठे हो जाते हैं अब आपके पास में क्या होता है आपके पास में एक होता है रीड राइड हेड तो क्या होता है जी एक आता है आपके पास में रीड राइड हेड ये क्या है रीड और राइट करने के लिए एक हेड होता है ये रीड राइट हेड का क्या काम है इस रीड राइट हेड का बेसिक काम ये है कि यहाँ पर से आपको कोई भी पर्टिकुलर जैसे फॉर पर एग्जाम्पल ये वाले ट्रैक पर आ गए हो ये वाले सेक्टर और ये वाले ब्लॉक पर आ गए हो तो यहाँ पर ये क्या करेगा या तो रीड करेगा या फिर राइट करेगा या तो डेटा को निकालने आया होगा या डेटा को सेव करने आया होगा इस रीड राइट हेड की मदद से हम क्या करते हैं हम अलग अलग जगह पर डेटा को रीड या राइट कर लेते हैं आप बोलोगे कि मैम ये रीड राइट हेड मूव होता रहता है कि हाँ ये आगे पीछे मूव होता रहता है मैम फिर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर कैसे पहुंचेंगे ऐसे पहुंचेंगे कि जो ये आपकी डिस्क है ये कंटिन्यूसली अपनी जगह पर रोटेट होती रहती है क्या होती रहती है रोटेट जैसे ये हेड right है तो इसके अराउंड रोटेट होती रहती है रोटेट होती रहती है और फिर ये जो है ये ऊपर नीचे चलता रहता है तो रोटेट होते 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 आपका सेक्टर चेंज होता जाएगा कभी इस पे? फिर रोटेट होके आएगी तो सेक्टर नंबर वन है ये सेक्टर नंबर टू है फिर सेक्टर नंबर थ्री पे आ जाएगा फिर फोर पे फिर फाइव पे फिर सिक्स पे फिर सेवन पे फिर एट पर इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स पे चली जाएगी और ट्रैक क्योंकि ये आगे पीछे मूव कर सकता है तो अलग अलग ट्रैक्स पर भी आप मूव ऑन हो जाओगे समझ पा रहे हो क्या समझ पा रहे हो क्या ये क्या मैंने समझाया है सभी को क्लियर है एक बार तम्स अप करो ये क्लियर है ये मैं इसलिए बता रही हूं कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो रोटेशन है ये जो रोटेशन है इस रोटेशन को होने में जितना समय लगता है इसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन rotation या रोटेशनल लेटेंसी आपका जो करेक्ट सेक्टर तक पहुंचने वाला जो आप लोगों का टाइम है वो हम रोटेशनल लेटेंसी से ही निकाल सकते हैं किससे रोटेशनल लेटेंसी से ही हम लोग इसे निकाल सकते हैं सही है क्या वेरी गुड cool. हाँ बिल्कुल पुराने जमाने का ग्राम आ, आपने फोन देखा हो तो बिल्कुल वैसा ही है ये भी ऐसा गोल गोल मूव फोन करता रहता है ठीक है जी अब ये जो है आप लोगों के लिए इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस मिलते हैं जैसे कि अगर मुझे करेक्ट ट्रैक पर पहुंचना है उसके लिए जो समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं सीक टाइम क्या बोलते हैं सीक टाइम करेक्ट ट्रैक तक पहुंचने में मुझे जितना समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं सीक टाइम ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है करेक्ट ट्रैक पर पहुंचने वाला जो समय होता है उसे हम कहते हैं सीक टाइम करेक्ट सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लग रहा है उसे हम कहते हैं रोटेशनल लेटेंसी और आपके बिट बाय एक, एक बिट के ट्रांसफर होने का जो रेट होता है उसे हम कहते हैं डिस्क का डेटा ट्रांसफर रेट डेटा ट्रांसफर रेट डेटा ट्रांसफर रेट ठीक है ना यानी कि पर यूनिट टाइम कितना डेटा या कितने बिट्स को ये ट्रांसमिट कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम पर्टिकुलर ब्लॉक टू जहां पर भी इसको जाना है प्राइमरी मेमोरी में जहां भी इसको जाना है रैम में जाना है कैश में जाना है रजिस्टर में जाना है जहां भी जाना होगा तो जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट ठीक है तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है इस तरीके की आपकी कुछ हार्ड डिस्क ड्राइव दिखती है जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया है ना आपने नोटिस किया होगा इस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव को आप डालते हो तो आपको ये जो सी ड्राइव डी ड्राइव ये जो दिखती है ना कंप्यूटर में देख रहे हो ये क्या है आप लोगों की सी ड्राइव डी ड्राइव ये आप लोगों की हार्ड डिस्क ड्राइव है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत बड़ी होती है साइज के अंदर इसीलिए हमने इसको क्या किया होता है अलग अलग ड्राइव में डिवाइड किया होता है जैसे आपके कंप्यूटर में भी सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव होगी ना बिल्कुल वैसे ही ठीक है आज का जमाना है वैसे सी ड्राइव वाला ठीक है मैंने आपसे एक बार ये सवाल भी पूछा था कि हम क्यों ए ड्राइव बी ड्राइव नहीं पढ़ते हैं इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ए और बी फ्लॉपी होते थे और फ्लॉपी का जमाना बीत गया है फ्लॉपी ड्राइव्स होती थी फ्लॉपी ए फ्लॉपी बी अब वो बीत गया है अब हमारा जमाना नया आ गया है हार्ड ड्राइव का और हार्ड ड्राइव जो है वो सी से स्टार्ट होता है क्योंकि ए और बी पहले उन्होंने प्रिजर्व कर लिए थे फॉर फ्लॉपी ठीक है जी तो इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क हो गई और इस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई ठीक है ज्यादा डिफरेंस नहीं है बाहर से देखने में सेम ही लगता है पर अंदर से देखो ये आपका रीड राइट हेड हो गया दिख रहा है और ये आप लोगों की डिस्क हो गई अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इसके अंदर बने हुए होते हैं ये इमेजनरी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं इसलिए आपको दिख नहीं रहे होंगे डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा एक और चीज है जो यहाँ पर आपको मार्क कर लेनी चाहिए वो है कि जो आपकी फ्लॉपी डिस्क होती है उसका क्या कैपेसिटी होता है तो 1.44 पॉइंट तक का जो डेटा है वही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एक फ्लॉपी डिस्क में हम एक बार में कितना डेटा रख सकते हैं 1.44 आप लोगों का मेगा बाइट एमबी डेटा हम लोग इसमें रख सकते हैं ठीक है जबकि जो आपकी हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो उसके अंदर तो आप जम के डेटा रख सकते हो जीबी टीबी टेरा के अंदर आती है टेरा तक के अंदर आप लोगों की जो डेटा है वो आप सेव करके रख सकते हैं ठीक है क्लियर हो गया क्या इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर है सभी को हुँ? हाँ, बहुत कम कैपेसिटी है अच्छा टेराबाइट कितना होता है कोई बता सकता है क्या कि? कितना होता है टेराबाइट टू की पावर फोर्टी बाइट्स एक टेराबाइट के बराबर होता है ठीक है इसके अलावा आपकी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी आई देखो एक तो था कि हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के पर डेटा को स्टोर करना सीखा एक हम लाइट की प्रॉपर्टी का यूज करके जब डेटा को स्टोर करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज बोलते हैं जैसे कि सीडीज डीवीडीज ये सारी चीजें ठीक है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी या लेजर लाइट का इस्तेमाल यहां पर होता है ठीक है इस तरीके की आपकी सीडी ड्राइव दिखती है जैसे कि आप सब लोगों ने डेफिनेटली इसको यूज किया ही होगा वेरी गुड प्रीतम है ना इस तरीके की आपकी सी डी ड्राइव दिखती है सी डी ड्राइवर आपके पास में अगर नहीं है तो सी डी नहीं चलेगी इस सी डी ड्राइवर के अंदर आप सी डी को इंसर्ट करते हो फिर ये आपके लिए प्ले होती है ठीक है जी सी डी जो होती है वो तीन प्रकार की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल मेमोरी कुछ ऐसी सीरीज होती है जिन पर आप दोबारा से लिख नहीं सकते जिन पर जो डेटा एक बार रखा है बस वो रखा रहेगा आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो और कुछ ऐसी सीरीज आती थी जिन पर आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो ठीक है हाँ बिल्कुल देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आप इस देश के किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो किसी भी हर एग्जाम के अंदर जो मैं आपको ये आईसीटी में पढ़ाती हूँ चीजें सबके सब पूछी जाती है चाहे वो आपका सेट एग्जाम हो चाहे आपका एसएससी हो चाहे आपका रेलवे हो चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम हो सभी के अंदर आईसीटी आती है सब के अंदर एक एक करके आप जितने भी लगा लो आई आपकी डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये बिल्कुल सीडी जैसे है बट इनके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या थी कि रख सकते हो ये नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं से एग्जामिनेशन के अंदर छोटे छोटे सवाल बनते हैं और आपको ये सही करना होगा हाँ चेंज नहीं कर सकते कुछ भी ऐड नहीं कर सकते कुछ डीवीडीज़ ऐसी होती है इसीलिए हम डीवीडी या सीडीज़ जो है वो री राइटेबल लेके आते हैं आर डब्ल्यू वाली लेके आते थे और इतना लफड़ा होता था इसलिए डीवीडीज़ हम यूज करने लगे थे एक तो डेटा भी ज़्यादा आता था और ये हमेशा आपके लिए री राइटेबल आ जाती थी ठीक है तो फोर पॉइंट सेवन जी बी तक का जो डेटा है वो आपके डिवीडीज स्टोर करके रख सकते थे डीवीडीज को चलाने के लिए भी आपको क्या चाहिए डीवीडी ड्राइवर्स चाहिए होते थे जैसे सीडी को चलाने के लिए सीडी ड्राइवर वैसे ही डीवीडी को चलाने के लिए डीवीडी ड्राइवर्स आपके पास में या डीवीडी प्लेयर होते थे आपको अगर याद हो तो थोड़ा समय पहले की बात है अगर आप नाइन्टीज़ के बच्चे हो तो आपको डेफिनेटली याद होगा क्योंकि आपके घर में एक वी प्लेयर होता था या डीवीडी प्लेयर डेफिनेटली होता होगा तो आपके पास में मूवीज़ की आपकी डीवीडीज आती थी और आप डीवीडी प्लेयर में लगा के मस्त टीवी में चला के मूवीज़ देखते थे ठीक है ना आप सबने डेफिनेटली ये जो है देखा ही होगा डेफिनेटली देखा होगा ठीक है इसमें भी रीड ओनली आती है एक आप लोगों की रिकॉर्डेबल आती है और एक आपकी रीराइटेबल आती है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल या जिसको आप इरेजेबल बोलते हो वो आपकी होती थी ठीक है अब आ गई आप लोगों की एक और डिस्क जिसको हम कहते हैं ब्लू रेड डिस्क जो इस तरीके की दिखती है ब्लू रेड डिस्क इसका नाम है ब्लू रे डिस्क जो है यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी एकदम से बहुत ही ज़्यादा हो गई है ब्लू रे भी लाइट की प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर करने का काम करती है पर इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कमाल की है कितनी पच्चीस जीबी तक का डेटा ये स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है कहाँ तो हम लोग 1.44 की बात कर रहे थे फिर उसके बाद 4.7 तक पहुँचे और कहाँ आ गया पच्चीस जीबी तक का डेटा ट्वेंटी फाइव जी बी तक का डेटा ये स्टोर करके रख सकते हैं अगर आपको ब्लू रे डिस्क चलानी है तो आपको ब्लू रे रीडर अलग से चाहिए होगा ठीक है ना आपकी जो लाइट का प्रॉपर्टी होता है आप सब लोगों को पता होगा जो व्हाइट लाइट है वो सेवन कलर से बनती है जिसको हम रेनबो भी बोलते हैं विबग्योर विबग्योर के अंदर जो आप लोगों का वॉयलेट या ब्लू वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट के प्रॉपर्टी से लाइट की हम इस ब्लू रे डिस्क को बनाते हैं ठीक है ये basically आपके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेज होता है वॉयलेट से लेकर रेड तक आपको पता है ना जो सारे डेंजर के सिंबल होते हैं वो रेड कलर में क्यों बनाते हैं है? मैम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है दूर तक दिखता है वैसे ही जो आप लोगों का वॉयलेट है वो सबसे कम दिखता है जो ब्लू है वो उससे बीच का जैसे कि आपका विब ग्योर होता है तो विब यानी थर्ड नंबर पे आता है तो इन बिटवीन कहीं लाई करता है तो इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके हम यहाँ पर डेटा को सेव करके रखते हैं ठीक है ना आपकी ग्रेटर डेंसिटी के साथ में जो डेटा है स्टोर होता है इसी वजह से आप छोटी जगह में ज्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं ठीक है अगर मैं आपसे बोलूं स्टोरेज के बारे में जो सवाल बनता है आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है भले ही आप खुद के नोट्स बनाते हो नहीं बनाते हो एक स्क्रीनशॉट इस चीज का मेरे कहने पर ले लो यहां से आप लोगों को एक सवाल डेफिनेटली मिल सकता है ठीक है आपकी सीडी रोम की कैपेसिटी या जो भी है सीरीज उनकी कैपेसिटी कितनी हो सकती थी मैक्सिमम सात सौ तक फिर आई आप लोगों की डीवीडीज डीवीडीज के अंदर अगर सिंगल लेयर की बात करूं तो 4.7 अगर डबल लेयर की बात करूं ड्यूअल मतलब ऊपर भी और नीचे भी तो आपकी 8.5 जीबी उसके बाद में हमारी आई ब्लू रे ठीक है ना तो ब्लू रे डिस्क जो होती थी आप लोगों की रीड ओनली उसकी पच्चीस जीबी तक और अगर बात करूं ब्लू रे री राइटेबल की, या वाले की तो फिफ्टी जीबी तक जो है ये आपका जा सकता था अगर ड्यूएल लेयर के ऊपर हम लोग बात करें तो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोगों के एग्जाम में सवाल आता है इसी के अंदर फ्लॉपी भी एड कर लेना आप लोग वन पॉइंट फोर फोर एम डी चलिए जी तो मैग्नेटिक डिस्क मैंने बता दिया आपको और ऑप्टिकल डिस्क मैंने आपको बता दिया है मैग्नेटिक डिस्क जिसके अंदर आप सब लोगों को पता लग गया होगा मल्टीपल फिक्स्ड डिस्क के साथ में यहाँ पर काम होता है और ये तो आपकी सिंगल रिमूवेबल एक डिस्क होती है आप लोगों के लिए यहाँ पर डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जा रहा है कर ही रहे हैं रैंडमली यहाँ पर डेटा को हम ऑप्टिकल डिस्क के अंदर ज्यादातर फॉर्म में सिक्वेंशली एक्सेस करते हैं वैसे तो अगर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी ही है दोनों पर इसमें हम डेटा को रैंडमली ढूंढ सकते हैं रैंडमली डेटा को ढूंढ सकते हैं सीडीज और डीबी के अंदर ये प्रॉब्लम होता था कि हमको सिक्वेंशली डेटा को ढूंढना पड़ता था अगर मैं कंपेयर करूं दोनों में से ज्यादा समय किसमें लगता था तो ऑप्टिकल डिस्क में ज्यादा समय लगेगा ठीक है मैग्नेटिक डिस्क के कंपैरिजन के अंदर ठीक है जी अगर बात की जाए आप लोगों की कि स्टोरेज कैपेसिटी किसकी हाई है तो अभी अभी हमने पढ़ा मैम हार्ड डिस्क की तो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई है तेरह बाइक तक का डेटा ये स्टोर करके रख सकता है जबकि ये आपके मैक्सिमम हमने अभी पढ़ा पच्चीस से लेकर पचास जीबी तक जा सकता है वो भी अगर ड्यूअल हो तो ठीक है जी डेटा को इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हो, होल्ड करके रखना है स्टोर करके रखना है तो मैग्नेटिक डिस्क जबकि अगर मान लीजिए मुझे कोई ऐसा डेटा है जो कि पोर्टेबल है एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना है तो उनके लिए हम किसको यूज करते हैं ऑप्टिकल डिस्क हार्ड डिस्क ड्राइव या मैग्नेटिक डिस्क को पोर्टेबल इतना ज्यादा नहीं माना जाता है क्यों नहीं माना जाता है क्योंकि ये मूविंग पार्ट्स के जैसा बनती है अभी बताया ना इससे रोटेट होती रहती है तो यहाँ पर इसको हम इसलिए ज़्यादा कैरी करना पसंद नहीं करते कि ये ज़्यादा हिल जाएगा तो इसकी रोटेशन के अंदर हो सकता है कुछ इश्यू आ जाए क्योंकि ये मूविंग पार्ट्स के द्वारा बनाई जा रही है तो हो सकता है कि इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए इसीलिए हम सीडीज़ और डीवीडीज को ज़्यादा कैरी करते हैं ये थोड़ी भारी भी होती है कंपैरिजन में ये थोड़ी हल्की होती है तो बहुत ही हल्की होती है सीडी डीवीडी आपने देखी होगी है ना आपने डेफिनेटली अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के अंदर खूब खाली सीडीज और डीवीडीज़ दी होगी है ना तो आपको तो अच्छे से पता ही होगा कि कितना ही वजन होता था उसके अंदर फाइल के पीछे चिपका के देते थे ना खाली डीवीडी खाली सीडी है ना प्रैक्टिकल के दिन वही वाली डीवीडी की बात कर रही हूँ याद आ गया होगा अच्छे से ठीक है जहां से क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कोशिश करी है कि सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आप लोगों के आ जाए ठीक है जी हिंदी में जिसको पढ़ना है वो हिंदी का भी स्क्रीनशॉट ले सकता है और हिंदी में भी इस चीज को अच्छे से पढ़ सकता है आगे जाते हैं आपके फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस तो फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस में सबसे पहले तो आपको अगर याद हो तो आप लोगों का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में एक होता था आपका डबल रोम डबल रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करके एक एक डेटा को डिलीट कर पा रहे थे वो क्या है वो भी आपकी एक तरीके की फ्लैश मेमोरी है ठीक है जी ये जो फ्लैश मेमोरी होती है अगर आपसे और डिटेल में कभी सवाल पूछ लिया जाए कि ये फ्लैश मेमोरी कैसे बनती है जी तो याद रखना लॉजिक गेट से आपके पास में दो तरीके के गेट्स हैं एक्चुअली तीन तरीके के लॉजिक गेट्स होते हैं एक बेसिक गेट्स होते हैं एक यूनिवर्सल गेट्स होते हैं और एक आपके पास में लॉजिक गेट्स होते हैं एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट्स ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि आपके लिए लॉजिक गेट्स और बुलियन लॉजिक के ऊपर भी पिछले साल दो जून के अंदर सवाल बना है लॉजिक गेट्स के ऊपर भी सवाल बन चुका है तो यूजीसी नेट ने अपना लेवल बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया है ठीक है पर अगर कोई प्रीवियस बैच का है तो उसको याद होगा अच्छे से कि मैंने ये पढ़ाया था ठीक है और गेट पर आपका सवाल बना था तो आपके पास में होते हैं देखो बेसिक गेट्स फिर आपके पास में होते हैं यूनिवर्सल गेट्स और एक होते हैं आपके पास में एक्सक्लूसिव गेट्स ठीक है मैं कभी आराम से आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि इनके क्या फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं क्या इनका काम होता है वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी बट फिलहाल याद रखेगा बेसिक गेट्स में आपका और गेट आता है एंड गेट आता है और नॉट गेट आता है यूनिवर्सल गेट में आता है आपका नैंड गेट और नॉर्थ गेट और एक्सक्लूसिव में आते हैं आपके एक्सॉर गेट और आपके एक्स नॉर गेट तो ये जो आपका नैंड गेट और नॉर गेट है इनको यूनिवर्सल बोलते ही इसलिए क्योंकि आप इन गेट्स की मदद से किसी भी प्रकार के सर्किट को रियलाइज कर सकते हो या सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो ठीक है तो आपका जो फ्लैश मेमोरी है ये भी इस नैंड और नॉर गेट की मदद से ही बनता है इससे ज्यादा डिटेल में तो नहीं पूछ सकता जहां तक मेरा मानना है यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम्सअप हो जाए क्लियर है ना सभी को चलो गुड आप देखो आपकी ड्राइव आप सब लोगों ने डेफिनेटली ड्राइव यूज करी होगी देखी होगी गारंटीड कभी ना कभी देखी होगी तो ये जो इस तरीके की आप लोगों की ड्राइव होती है इसे हम कहते हैं ड्राइव जो ड्राइव होती है अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम कितना डेटा एक ड्राइव के अंदर सेव किया जा सकता है तो देखो आप लोगों के लिए लगभग दो जीबी 256 जीबी तक का डेटा आप किसी एक पेन ड्राइव के अंदर एक बारी में सेव कर सकते हो ठीक है 256 जीबी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है तो याद रख लीजिएगा ठीक है आपकी जो पेन ड्राइव होती है उसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं यूएसबी ड्राइव एक तो होता है यूएसपी यूएसपी होता है यूनिवर्स यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी और एक होता है यूएसबी USB कंप्यूटर बी की भाषा में कहलाता है यूनिवर्सल सीरियल बस फुल फॉर्म भी आ सकती है तो ये एक तरीके की USB बी ड्राइव है आप सब लोगों के लैपटॉप में कंप्यूटर के सीपीयू में सभी में अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स बने हुए होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन या सबसे ज़्यादा नंबर के अंदर जो पोर्ट आपके पास प्रेजेंट होता है वो पोर्ट होता है यू पोर्ट जिसके अंदर आप अपने फोन का या ईयरफोन का वायर लगा लेते हो आप एच केबल लगा लेते हो आप इस तरीके से पेन ड्राइव लगा लेते हो है ना इस तरीके से आपके पास में अलग अलग पोर्ट्स होते हैं अलग अलग USB के लिए ठीक है ज्यादातर लोग जो मैकबुक यूज कर रहे होंगे उनको अच्छे से इसकी कमी खलती होगी क्योंकि मैकबुक के अंदर ये नहीं होता है ठीक है जैसे कि आप लोग देखो तो मैकबुक के पास में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है यूएसबी पोर्ट नहीं होता इस तरीके से एक चार्जर के लिए होता है और एक होता है आपके एक्सपेंशन स्लॉट जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो एक्सटर्नली जिसे एक्सटेंशन लगा के एक्सटर्नली यूएस लगा सकते हैं ना वो हम लगा सकते हैं पर इसके अलावा यहाँ पर क्या नहीं होता है आपके पास में यूएसपी पोर्ट नहीं होता है बट आपका जो नॉर्मल लैपटॉप होता है उसके अंदर होता है है ना नॉर्मल लैपटॉप्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है ठीक है फिर आते हैं आपके मेमोरी कार्ड ठीक है देख लो बेचारा बहुत ज्यादा चीजें इसने याद करी है इसलिए ये बहुत ज्यादा दुखी चल रहा है जीवन में सो भी सकता है तो ये आप लोगों का जो मेमोरी कार्ड होता है ये मेमोरी कार्ड हम लोग हमारे फोन में यूज करते हैं आप सब लोगों ने नोटिस किया ही होगा ठीक है ना तो ये जो होते हैं ये आप लोगों के हर टाइप के डेटा को स्टोर करने के केपेबल होते हैं और ये भी एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी कहलाती है ठीक है देन आता है हमारा वेरी वेरी नेसेसरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉलिड स्टेट ड्राइव एस एस डी ये जो आप लोगों का एस एस डी होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है ये आप लोगों के लिए एक तरीके का डेटा स्टोरेज है जो नॉन वॉलीटाइल है नेचर के अंदर और यहाँ पर आप डेटा को क्या कर सकते हो परमानेंटली सेव करके रख सकते हो इसमें और हार्ड ड्राइव में सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ये है एक तो वेट में ये बहुत हल्का होता है हार्ड ड्राइव के कंपैरिजन में डा डेटा को जब ये सेव करता है या डेटा को जब आप एक्सेस करते हो तो ये बहुत ही कम नॉइज करता है ठीक है ना बहुत कम नॉइज करेगा ना के बराबर पता भी नहीं चलेगा कि काम हो रहा है पता भी नहीं चलेगा और ये जो है बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है ठीक है जी तो एस जो होता है आप लोगों का वो भी एक तरीके का फ्लैश मेमोरी है यहां पर डेटा को आप परमानेंटली सेव करके रख सकते हो अगर मैं आपसे कि SSD जो है वो कौन से से मटेरियल बनता है, जैसे अभी हमने देखा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, और गेट हो गए ये भी आप लोगों के लिए से ही बनता है। बट अगर से मैं तो रखना कंडक्टर टेक्नोलॉजी से बनता है किससे सेमी टेक्नोलॉजी से बनता है ठीक है अगर बात किया जाए रिलायबिलिटी की ड्यूरेबिलिटी की वेलोसिटी की सभी फीचर्स में आपका एस जो है वो आपके हार्ड डिस्क ड्राइव से बेटर है आज के ज़माने में अगर कंपेयर किया जाए तो आपके एस वाले कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या कंप्यूटर के टर्म्स में कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर एस मेमोरी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है स्टिल मेरा आप लोगों से एक सवाल है प्रेफर किया जाता है पर फिर भी हमने नोटिस किया है आपके सिस्टम में हो सकता है कि एस हो फिर भी आप हार्ड ड्राइव रखते हो कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों है अगर ऐसा ही था तो जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव आया तो फ्लॉपी ड्राइव ऑप्सलेट हो गया क्योंकि उसके कंपैरिजन में हार्ड ड्राइव तो बहुत अच्छे से काम करता था बट एस के आने के बाद भी हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों ऑप्सोलेट नहीं हुआ आज तक हम क्यों हार्ड ड्राइव को यूज करते हैं कोई बता सकता है क्या मुझे सोच के देखो ऐसा क्यों है कि हम हार्ड ड्राइव को ऑप्सोलेटेड नहीं मानते हैं या अभी भी हम उन्हें यूज करते हैं लॉन्ग टाइम हार्ड ड्राइव इकोनॉमिक प्रॉब्लम हाँ देखो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जो आपका हार्ड ड्राइव होता है वो एस एस के कंपैरिजन में बहुत सस्ता होता है जहाँ पर आपका ये जो एस एस डी वाला एप्पल का लैपटॉप होता है ये एक लाख रुपए तक का आता है मिनिमम वहीं पर आपका एक नॉर्मल सा लैपटॉप अगर आप लेते हो जिसके अंदर हार्ड ड्राइव है एस नहीं है तो वो आपका पैंतीस से चालीस के अंदर आ जाता है इनफैक्ट अगर उसमें आप एस भी लगा लो तो भी पचास से साठ हजार के अंदर आपका एक नॉर्मल सा लैपटॉप आ जाएगा बट आपने देखा एस लगाते ही दस से पंद्रह हजार या बीस हजार कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती ही होती है तो कॉस्ट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है पर इसके अलावा एक और इशू है जो शालू ने लिखा है मुझे नहीं पता कि उसी सेंस में इसने लिखा है कि नहीं लिखा है बट आपको यह समझना है कि आपके पास में हर एक मेमोरी के अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रीड एंड राइट होते हैं कि आप कितनी बार उसको रीड कर सकते हो और कितनी बार उसके अंदर राइट कर सकते हो डेटा को कितनी बार उसमें से निकाल सकते हो कितनी बार उसमें से सेव कर सकते हो ये हर मेमोरी के लिए फिक्स होते हैं तो आपकी जो एस है उसके अंदर जो रीड राइट होते हैं वो कंपेरेटिवली कम होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपेरिजन में फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप हार्ड डिस्क के अंदर दस हज़ार बार रीड राइट कर सकते हो तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में आप पाँच हज़ार बार ही कर पाओगे स्पीड में तेज है पावर भी कम कंज्यूम करता है पैसे में भी ज्यादा है बट स्टिल फिर भी रीड राइट -right जो है वो आपको हार्ड डिस्क ड्राइव से कम देता है इसीलिए हम हार्ड डिस्क ड्राइव को प्रेफर करते हैं सस्ता भी होता है और ज्यादा रीड राइट हेड भी देता है तो वैल्यू फॉर मनी ज्यादा है बट हां ये अलग बात है कि वो स्पीड में कंपेरेटिवली स्लो होता है और महंगा थोड़ा आपके लिए जो है वो पड़ जाता है एस और पावर कंज्यूम ज्यादा करता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव ठीक है इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या किया हमने एक ट्रेड ऑफ कर लिया आपके पास में आप जो नए लैपटॉप्स होते हैं उसमें हार्ड ड्राइव भी होती है और एस भी होती है छोटी एस लगा देते हैं कम मेमोरी जिसके अंदर हो जिससे क्या होता है कि कॉस्ट इफेक्टिवली भी काम हो जाए और जल्दी वाला काम भी हो जाए याद रखोगे कि ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए हैं और ये सारी चीजें यहां पर लिख कर भी मैंने आपको दे दी है दोनों में से कौन सा कॉस्टली है दोनों में से नॉइज कौन मचाता है दोनों में से रिलायबल कौन सा है कौन सा जो है वो लाइटर इन वेट है कौन सा जो है वो साइज में छोटा होता है कॉम्पैक्ट कौन सा ज़्यादा होता है ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस करी है जो मैंने यहाँ पर इस डिफरेंस चार्ट में लिख दी है जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में भी पढ़ सकता है ठीक है जो आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है उसके पास में कोई भी प्रकार के मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं ठीक है अगर यहां तक सबको क्लियर है तो एक बार थम्सअप कर दो आ गया समझ में ठीक है देन आपकी कुछ ऑफलाइन स्टोरेजेस भी होती है ऑफलाइन स्टोरेज जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की क्या नहीं जरूरत है नेटवर्क की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार के नेटवर्क पर आपको कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है आप ऑफलाइन डेटा को स्टोर करके रख सकते हो कुछ आपकी क्लाउड स्टोरेज भी होती है ठीक है देखो ये आप लोगों के अलग अलग ऑफलाइन स्टोरेज के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि आपके मीडिया डिवाइसेस होते हैं यूएस बी उसमें भी किसी प्रकार का ऑनलाइन नेटवर्क की आपको जरूरत नहीं है, है ना मेमोरी कार्ड हो गया एक्सटर्नल ऑप्टिकल ड्राइवर्स हो गए जिप ड्राइव हो गई आपकी ठीक है इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार के इंटरनेट की या किसी भी प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है बिना नेटवर्क के भी आप डेटा को सेव करके रख सकते हो चलो तो सबसे पहले तो मैं आज के पहले क्वेश्चन पर आ जाती हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया था उस पर आंसर कर लेते हैं डिस्कस उसके बाद में हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर देखो क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है एसएसडी जो होती है वो स्पिनिंग डिस्क को यूज करती है इसकी वजह से ज्यादा रिलायबल होती है आपकी जो एस होती है वो कंसिडरेबली लाइटेबल लाइटर होती है और लो लो पावर कंजम्शन करती है अगर बात किया जाए तो एस के अंदर डेटा को हम कंसिडरेबली फास्टर एक्सेस कर सकते हैं अभी अभी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि एस के पास में किसी भी प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं होता है ठीक है तो आपके पास में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत लिखा है रिलायबल होता है बट स्पिनिंग नहीं होते हैं अगर स्पिनिंग होती तो रिलायबल कैसे होता तो हार्ड डिस्क ड्राइव के पास में स्पिनिंग होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव के पास में स्पिनिंग डिस्क नहीं है ठीक है इसके पास में सेमी स्टैटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड है एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए मिलने वाला है तो आप सभी लोग जो है होमवर्क में मुझे इसका करेक्ट आंसर देने वाले हैं ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन ऑफ द डे आ गया है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देने वाले हैं ठीक है जी किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकता है कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ सकता है और आज के सेशन के लिए बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के सेशन में सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली होगी किसी को कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकता है और मुझे इसका आंसर भी करके बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कल आप सभी लोगों से फिर से मिलेंगे सुबह आठ बजे हमारे कमेंट ऑफ द डे के लिए आई मीन I mean, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे वीडियो के लिए और साथ ही साथ रात को नौ बजे मिलूंगी फिर से आप सभी लोगों के लिए फोर इन वन सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेकर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे मिलेंगे आप सभी लोगों से हमारे कल के सेशन में बाय